शुक्रवार को शहर में गणपति बप्पा का सभी के घर में आगमन हुआ। बीते 5 दिनों से सभी के घर पर उत्साह का वातावरण था, मगर कुछ घरों में 5 दिन गणेश उत्सव होता है। उन्होंने मंगलवार को शहर के सोनेगांव तालाब पर नम आंखों से बप्पा को विसर्जित किया। शहर में गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव 10 दिन का होता है, मगर किसी के घर में 1.5 दिन का तो किसी के घर में 5 ही दिन का गणेश उत्सव रहता है। मंगलवार को गणपति बप्पा को आगमन होकर 5 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए शहर के सोनेगांव तालाब पर 5 दिन के गणपति विसर्जन भक्तों द्वारा किया गया। गणेश उत्सव आते ही सभी में एक नया उत्साह और खुशी आती है, मगर जब बप्पा का विसर्जन करते हुए भक्तों के मन में बप्पा के विदाई का दुख और आंखें नम हो जाती है, ऐसा ही कुछ नजारा सोनेगांव तालाब पर दिखाई दिया। आज 5वा दिवस आहे गणपतीचा। जेव्हापासून गणपती बसतो तेव्हापासूनच आम्ही भरपूर उत्सुक असतो गणपतीच्या आगमनाकरता, आणि आज तेवढंच दुःख पण आहे की आज बाप्पा चालले आहेत म्हणून। पण तरी ठीक आहे की परत पुढच्या वर्षी लवकरात लवकर त्यांनी यावं, सगळ्यांना सुख समृद्धी उत्तम स्वास्थ्य द्यावं हीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना आहे। आता जो कोरोनाचा काळ आहे त्याच्यामध्ये भरपूर लोकांना भरपूर त्रास झालेला आहे, तर त्या कारणामुळे त्यांच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे की कोरोना हा लवकरात लवकर दूर झाला पाहिजे। गणपती बाप्पा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।